तो गाइस एक और राइड आया, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है कप लोकेशन। अभी जा रहे, सबसे पहले उनको रिसीव करेंगे। उनको जाना इनकम टैक्स चौराहा जाना है, 35 रुपीज़ का फेयर है। चलिए पहले उनको रिसीव करते हैं। तो गाइस जस्ट कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच ही गए हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना है। हाथ में रख लीजिए, बता दीजिएगा जहाँ जहाँ मुड़ना है। तो गाइस भैया ने क्या, हाँ हाँ यूट्यूब पे डालते हैं। ये मैंने परचेज किया 12,000 का कैमरा, पूरा सेटअप लगा के 15,000-16,000 गया। स्ट्रेट हाँ, जैसे फोन का टच होता है वैसे इसका भी टच काम होता है। स्क्रीन जैसे फोन में स्क्रीन टच है ना, वैसे ये भी है। तो गाइस पहुंच चुके हैं भैया के लोकेशन पे। ऑनलाइन करिएगा, हाँ सर्च कर लीजिए, अभी दिख जाएगा ऋषभ ट्रैवलर। थैंक यू गाइस, भैया को ड्रॉप कर दिए हैं। अब नेक्स्ट राइड का इंतजार करते, चलिए ऑन ड्यूटी हो जाते अब यहाँ पे। नेक्स्ट राइड का इंतजार, एक राइड आ चुका 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अभी पिकअप जा रहे हैं रिसीव करने के लिए, सबसे पहले जाके उनको रिसीव करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले उनको रिसीव करते हैं तब मिलते हैं। आप हो? गाइडर हो क्या? हाँ। क्या करते हो? वीडियो बनाते हैं रैपिडो का। कैसे वीडियो बनाते हो? पटना का? हाँ पटना में रैपिडो का वीडियो बनाते हैं। कितनी रैपिडो का वीडियो, मतलब यूट्यूब पे देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। रैपिडो ब्लॉगिंग करते, कैसे रिसीव करते, कैसे ड्रॉप करते, अर्न है कि नहीं है यहाँ पे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितना का फेयर दिखा रहा था पैसा? 75 डीकैथलॉन का ना, ये किसी का डीकैथलॉन का पेंट है। डीकैथलॉन, ओ डीकैथलॉन का मैंने टेंट लिया है। डीकैथलॉन खुल गया यहाँ पे? तो गाइस भैया को मैंने पिकअप कर लिया, 75 का फेयर था। तो गाइस मैं जस्ट लोकेशन से 500 मीटर पीछे हूँ, जस्ट वहीं पे ड्रॉप करूँगा। और भैया भैया बहुत अच्छे फ्रेंडली, भी बातचीत करते पूरा रास्ता आए हैं हम सब। और भैया बिजनेस मैन है, आपको वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या किस चीज़ के बिजनेस मैन है, क्या करते हैं नहीं करते। अभी चलिए पहले इनको ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आ गया आपका मॉल। हाँ ऑनलाइन कर दीजिए। कुत्ता
सेफ्टी कर देते ठीक है। ठीक है, वो मेरा ही कट गया समझो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू। आप अपना एक बार नंबर से फिर से कॉल कर दीजिए, हम सेव कर लेते हैं। क्या है तुम्हारा चैनल का नाम? सर्च कर देते हैं गाइस। तो एक और राइड आ गया है, तभी जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए भी जा रहे हैं। दो नंबर गेट किधर है भाई, पीछे है क्या? हाँ दो नंबर के पास है, आइए। चलो यार इतना लेट मत करो। अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भाई, पूरे रास्ता गाड़ी ही गाड़ी। अभी बहुत दूर मेन ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद मैं ये कैमरा ऑन कर रहा हूँ वीडियो के लिए, दिखा रहा हूँ कि कितना ट्रैफिक वाला एरिया पटना, वो भी शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। लोग बोलते दिल्ली मुंबई में ट्रैफिक, असली ट्रैफिक तो यहाँ है। चलो भाई हम निकल जाते हैं सामने वाली गली से शॉर्टकट। मैप दिखा रहा है, इधर चलो ना। ये छोटा लड़का था, इसको भी ड्रॉप कर दे। 46 रुपीज़ का फेयर बना है, अभी कलेक्ट कैश करते हैं। तो गाइस एक और राइड आ गया, यहाँ से लगभग 650 मीटर दूर है, अभी जा रहे हैं उनको पिकअप करने के लिए सबसे पहले। और इधर इतना नुक्कड़ गली है ना भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं मैप में। चलिए पहले उनको रिसीव करते हैं, इधर अभी शूट नहीं कर पाएंगे ना, ये थोड़ा ड्राइविंग में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है भाई, इधर इतना नुक्कड़ गली है। सो नहीं हम बोले हाँ, आप लगता है सुने नहीं। वीडियो बनाते हैं। अच्छा राइटर, तो बाइक रखिए अच्छा वाला। अभी रैपिडो में माइलेज जो बाइक देगा वही ना रखेंगे, माइलेज तो मांगेगा। अब R15 है लेकिन उसको लेके निकल नहीं सकते ना। कितना खाता ये 15,000, ये लो बजट है। हाँ अरे क्या है ना, इधर जो बंदा रास्ता नहीं ना देखा है खो जाएगा इधर, ऐसा रास्ता हम खो गए थे थोड़ा दूर पीछे। हाँ बाप रे कैसे है। भैया को ड्रॉप कर दिया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप सबको बता दो आज कितना अर्न हुआ, आज लगभग 6 राइड कंप्लीट किए, 200 रुपया अर्निंग हुआ है भाई। तेल जा रहा है 60 रुपया का, तेल जा रहा है 70 रुपया का तेल जा रहा है, तो वही आज का यही है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देख लो आप 28 किलोमीटर चला गाड़ी, लोग तो 70-75 का चला गाड़ी। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।